हुसैनाबाद में आज नामांकन के लिए कई उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं निर्दलीय उम्मीदवार विनोद सिंह जी। हालांकि बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया, उसके बाद ये मन बनाए कि निर्दलीय चुनाव लड़ना है। क्या स्थिति है और क्या सोचकर चुनावी मैदान में उतरे? स्थिति जो है वो आपसे छुपा हुआ नहीं, आप भी देख रहे होंगे, घूम रहे होंगे। चुनाव क्या, चुनाव तो मेरे कार्यकर्ता लड़ा है, मैं कहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव जो भी लड़ रहे हैं मेरे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, और जीत भी है तो कार्यकर्ता की जीत है ना, कि विनोद सिंह की जीत है। लेकिन जो आपसी टकराव है, कर्नल संजय सिंह हैं, आप हैं, एक ही वर्ग से वोट जो गणित है, एक राजनीतिक गणित जो है वोट का, जातीय समीकरण जो होता है, क्या इसमें लग रहा है कि टकराहट से किसी तीसरे को फायदा होगा? कोई टकराहट नहीं है, आपका कहना है, आप खुल के बोलिए, आप यही कहना चाहते हैं ना कि राजपूत, तीन राजपूत लड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी मेरे जो ये जन समूह देख रहे हैं जो सारे आए, मैं आपको मिलवाता हूं कि इसमें हर वर्ग के लोग हैं, रविदास भी हैं, पासवान भी हैं, व्यवसायी भी हैं, राजपूत भी हैं, पंडित, में कोई ऐसा दल ही नहीं, जो कोई ऐसी जाति नहीं जो नहीं है। अब पूरे हुसैनाबाद में आपने देखा हो कि जातियों के समीकरण से नहीं लेता, मैं सबका नेता हूँ। अब मेरा सब कार्यकर्ता जो हैं वो सब मेरे सभी वर्ग के लोग हैं, इसे कहीं इसमें जातीय समीकरण, इस आज के नॉमिनेशन में जो तूफान आया है उस तूफान को कोई संभालने वाला नहीं है। ये तूफान जो चला तो चलता ही रहेगा। हुसैनाबाद को आप काफ़ी नज़दीक से देखे हैं, जो रहा अब तक, जो जिनके हाथों में रहा, कितना विकास किया और क्या बाकी है जिसको आप करना चाहते हैं? उन्होंने विकास किया कहाँ, इससे पहले वो सिंचाई मंत्री थे। यहाँ की सबसे मूल समस्या जो है वो सिंचाई है, कृषि पर आधारित है यहाँ, और जब इरीगेशन मिनिस्टर थे तब भी उनसे नहीं हुआ, तो अब उनसे क्या जनता उम्मीद कर सकती है। मैं तो पहले ये बताऊं कि वो किस मुंह से वोट लेने जाएंगे। पिछले बार जब उन्होंने चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने एक ही बार कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, इसके बाद मैं कभी भी आपसे वोट मांगने नहीं आऊँगा। तो भाई जनता के पास वो क्या कहेंगे, तो उनका अंतिम था तो इस बार अंतिम ही हो गया। हुसैनाबाद का ये रिकॉर्ड क्यों बनता जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद फिर से दल बदल कर उम्मीदवार बनना पड़ता है? मैंने कभी दल बदल नहीं किया है। मैं आप पे नहीं, जो जीते हैं जब तक, जो अब तक रहे, चाहे पहले विधायक की बात करें, कमलेश सिंह जी की बात करें, जीते किसी और दल से हैं, फिर अगला चुनाव में किसी और दल से आना पड़ता है, ऐसा क्यों होता है? ये इस दल जो लोग चेंज करते हैं, मेरे पास भी बहुत ऑफर आया था हर पार्टी का, मैं, मेरे साथ मेरी जनता है, मेरे कार्यकर्ता हैं, उनको चुनाव लड़ना है तो दल कोई माने नहीं रखता। जिसको डर लगता है वही चुनाव, वही पार्टी को बदलता है। आज इनको डर नहीं था तो एनसीपी से लड़ते। पूरे मैं बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर डर नहीं है तो क्यों जाता है दल में? अगर ताकत हो तो लड़े, मैं लड़ रहा हूँ ना, मेरे पास कितना ऑफर आया, हर दल से ऑफर आया, मैंने ठुकरा दिया कि मुझे नहीं लड़ना, मुझे लड़ना है जनता के, मैं जाऊंगा, जनता का डिसीजन है कि आप निर्दलीय लड़िए, मैं निर्दलीय लड़ रहा हूं, अब भगवान ने चाहा तो जीत के दिखाऊंगा, जीतूंगा भी तो इतना, पिछले बार भी मेरे को 29,000 वोट आए थे, इस बार 60,000 पार करूंगा। विनोद सिंह के पास क्या विजन है, जनता के पास क्या उम्मीद लेकर जाते हैं, क्या बताते हैं कि हम जीत कराएंगे तो ये करेंगे? जनता के पास विजन देने की ज़रूरत नहीं है, जनता के अपने आप में विनोद पहचान है। और जो मैं अभी जनता के बीच में क्या हूँ, मैं 20 साल से पार्टी में हूँ, मैं जनता के लिए काम है, उनके दुख सुख हमेशा उन्हीं के साथ रहता हूँ, मैं यहाँ ही का रहने वाला हूँ, बाकी जितने लोग हैं आएंगे और चले जाएंगे, मगर जनता को ये विश्वास है कि आदमी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, 12 बजे रात में भी खोजेगा तो ये आदमी हमारे पास आएगा, ये जनता का विश्वास है मेरे ऊपर। तो ये भीड़ जो है काफ़ी उत्साहित किया है विनोद सिंह को, और ये कह रहे हैं कि हम लोगों के सुख दुख में शामिल रहने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, ऐसे में यहाँ की जनता हमारे साथ है और यही जनता हमें जीत दिलाएगी। अपने सहयोगी हीरा के साथ मदन सिंह, न्यूज 22 को हुसैनाबाद। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी, ITO मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन।